हे वी वन दिस इज़ एडवोकेट फरहीन हीन एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि प्लेज कौन कर सकता है एंड लॉ में क्या एक्सेप्शन्स हैं तो बच्चों इट्स वेरी ऑब्वियस दैट जो गुड्स का ओनर है वही उस गुड्स को गिरवी रख सकता है यानी प्लेज कर सकता है जैसे मैं अपने गोल्ड ज्वेल्स सिक्योरिटी के तौर पे प्लेज कर सकती हूँ नॉट ऑफ माय नेबर्स और ऑफ़ माय फ्रेंड्स क्योंकि लॉ का जनरल रूल यही कहता है ओनली द ट्रू ओनर कैन प्लेज द गुड्स हाउ एवर लॉ ने कुछ एक्सेप्शन भी काव आउट किए हैं जहाँ इवन अ नॉन ओनर के किए गए प्लेज को भी वैलिड माना जाएगा नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन बाई वन कि कब एक नॉन ओनर के किए हुए प्लेज को भी कंसिडर किया जाता है वैलिड प्लेज नंबर वन चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं मान लो मैं एक शोरूम की ओनर हूँ या बॉस हूँ मैं उस शोरूम को रन करने के लिए एक मैनेजर रखती हूँ जिस जिससे मैंने अपनी सारी अथॉरिटी दी है उस शोरूम की टू डू द बिजनेस एंड मेक प्रॉफिट्स ऐसे एजेंट को लॉ ने मर्केंटाइल एजेंट कहा है जो एक्चुअल ओनर नहीं होता लेकिन ओनर जैसी अथॉरिटी इनके पास होती है नाउ मेरे अपॉइंट किए हुए मर्केंटाइल एजेंट ने अगर बैंक से कुछ लोन लेते वक्त शोरूम के कुछ एसेट्स अगर प्लेज कर दिए तो क्या वो वैलिड प्लेज माना जाएगा आंसर इज येस भले मर्केंटाइल एजेंट इज नॉट द ओनर ऑफ दो लेकिन लॉ ने यह एक्सेप्शन बताया है कि मर्केंटाइल एजेंट जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई गुड्स प्लेज करता है तो वो प्लेज वैलिड माना जाएगा अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और से समझते हैं अब मान लो मेरे पास एक कार थी जो मुझे बेचनी थी एंड यू केम एंड शोड इंटरेस्ट दैट यू वॉन्टेड टू परचेस माई कार अब यहां आई एम द सेलर एंड यू आर द बायर अब बच्चों सेल के पहले इस कार की ओनर कौन है ऑफ कोर्स मैं हूँ बट जब ये कार सेल हो जाएगी तो इसकी ओनरशिप किसके पास आ जाएगी आपके पास अब मान लो यू पेड मी एंटायर अमाउंट फॉर द कार लेकिन आपने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ इसलिए कार की डिलीवरी आने के बाद लूँगा जब तक कार आप अपने पास ही रखें मैंने कहा चलो ठीक है अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि कार तो सेल हो गई है लेकिन आफ्टर सेल ये कार सेलर यानी मेरे पोजेशन में है आई एम द ओनर ऑफ दिस कार नो यू आर द ओनर ऑफ दिस कार लेकिन आफ्टर सेल ये कार मेरे पास है अब अगर इस पीरियड में मैंने ये कार लोन के अगेंस्ट में प्लेज कर दी तो बच्चों ये प्लेज वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज वैलिड प्लेज अंडर द आईज ऑफ लॉ यही है प्लेज बाय सेलर आफ्टर सेल अब नेक्स्ट पॉइंट को भी एग्जांपल से समझते हैं मान लो यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ़ माइंड एंड वन फाइन डे यू कम टू मी एंड से कि यार मुझे थोड़ा ट्रैवल करना है तेरी कार कुछ दिन के लिए मुझे दे दे यूज़ करने के लिए ऐसे ठीक है नो no प्रॉब्लम मैंने कहा यर इज द की यू कैन टेक माई कार और हाँ एक बात और मैंने आपसे कहा कि ये कार मुझे वैसे भी बेचनी है देखना अगर कोई अच्छा बायर हो तो बताना आपने कहा ठीक है और मेरी कार लेकर चले गए अब कुछ दिन बाद आपका कॉल आता है कि यार ये कार तेरी बहुत बढ़िया है एक काम कर मैं ही खरीद लेता हूं मुझे ही बेच दे आई वॉज लाइक श्योर वाई नॉट अब ये कार मैं तो बेचने वाली हूँ यानी मैं हूँ सेलर और आप खरीदने वाले हो यानी आप हो बायर इस केस में सेल के पहले गुड्स किसके पास है बच्चों बायर के पास है अब इस पीरियड में अगर आपने वो कार लोन के अगेंस्ट में प्लेज कर दी तो दैट प्लेज वुड बी कंसिडर्ड एज वैलिड प्लेज इसे कहते हैं प्लेज बाय बायर बिफोर सेल नेक्स्ट अब मान लो बच्चों यू वर वॉकिंग ऑन द रोड एंड यू फाउंड अ मोबाइल फोन यू ट्राइड सर्चिंग फॉर द ओनर ऑफ दैट फोन बट कोई मिला नहीं अब इस केस में यू आर कॉल्ड एज द फाइंडर ऑफ द गुड्स बच्चों लॉ में फाइंडर ऑफ द गुड्स इज कंसिडर्ड एज बेली एंड एज अ even इफ यू आर नॉट द ओनर ऑफ that गुड्स बट आपके पास कुछ लिमिटेड राइट्स आ जाएंगे एंड states that फाइंडर ऑफ द गुड्स द्वारा किया गया देर इज वन कार विच इज owned बाई मी एंड माई ब्रदर विच मीन्स हम दोनों उस कार के को ओनर्स यानी पार्ट ओनर्स हैं अब किसी एक को ओनर ने जिसके पोजेशन में वो कार है दूसरे को ओनर के परमिशन के साथ अगर वो कार प्लेज कर दी तो तो दैट प्लेज वुड बी कंसिडर्ड एज वैलिड प्लेज लास्ट इज द प्लेज बाय पर्सन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नाउ लेट्स रिकलेक्ट व्हाट इज वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जहां दो पार्टीज में से एक पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो दूसरे पार्टी के पार्ट पे ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है वॉयडेबल अब ऐसे वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अगर कोई गुड्स या एसेट्स उस पर्सन के कंट्रोल में रह जाता है तो वो उस गुड्स को प्लेज कर सकता है एंड दैट प्लेज वुड बी कंसिडर्ड एज वैलिड प्लेज तो बच्चों ये था कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेज बाय नॉन ओनर्स आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द दामेंट्स बिलो ऑल्सो फॉर द नोट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट्स प्रोवाइडेड ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप ऑफ विच द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू एवरी वन बाय